बहुजन समाज पार्टी शतनामी समाज व वार्ड पार्षद गणमहन घासीदास बार्ड के शतनामी समाज के दयाराम लहरे परिवार को प्रॉपर्टी डीलर के इशारे में प्रशासन द्वारा बलपूर्वक मकान तोड़े जाने को लेकर बसपा जिला अध्यक्ष आशीष रात्रे, शतनामी समाज जिला अध्यक्ष आरपी संभाकर, पार्षद प्रकाश सिन्हा, संजय डाकौर पार्षद सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्ट्रेट उमा राज को ज्ञापन सौंपा गया। पीड़ित परिवार के लोग बताए कि सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है, बिना सूचना नोटिस दिया नजूर विभाग द्वारा साठ गांठ कर मकान तोड़ने का काम किया गया। बसपा जिला अध्यक्ष आशीष रात्रे ने कहा कि लगातार धमतरी जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज को टारगेट में लेकर निशाना बनाया जा रहा है, गरीबों के ही मकान को तोड़ने का काम कर रहे हैं जो न्याय संगत नहीं। प्रशासन दयालराम लहरे परिवार को भविष्य में परेशान करते हैं तो पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से दयाराम लहरे परिवार, बसपा जिला अध्यक्ष आशीष रात्रे, शतनामी समाज जिला अध्यक्ष आशीष रात्रे, शतनामी समाज जिला अध्यक्ष आरपी संभाकर, पार्षदगण प्रकाश सिन्हा, संजय डाकौर, कोमल संभाकर, विनोद डिडोलकर, इतवारी गवाशकर, चंद्र प्रकाश पाटले, अशोक मेसराम, जितेंद्र पटेल, केचंद बघेल ठाकुर, प्रसाद गुप्ता, रेवती साहू, मान कुमार साहू, श्रीदास मानिकपुरी, दीपका नाग, आनंद कुंवर, ईश्वर नारंग, कल्याण सिंह, निर्मलकर, किसान चंद, योगेश्वर चौहान, रामनाथ अंसारी, रामलाल रामटेके, प्रेमलाल कुर्रे, रूपेंद्र साहू, जोगेश्वर देवांगन, कुमारी लहरे, नीरज बघेल, वर्षा बघेल आदि उपस्थित रहे। मैं आशीष रात्रि जिलाध्यक्ष बहुजन समाज का। आज हम लोग सतनामी समाज जिला धमतरी और हमारे वार्ड के पार्षद मकेश्वर वार्ड प्रताप सिन्हा जी, महान घासीदास वार्ड के पार्षद भाई संजय टावर जी और तमाम हमारे वार्ड के नागरिकजन जो महान घासीदास वार्ड में निवारस हैं, 1987 से पूर्वजों के ज़माने से दयाराम लहरे पूरा 1937 से दयाराम लहरे का परिवार पूरा वहाँ लंबे समय से लगभग 100 साल से ज़्यादा हो चुका है वहाँ रहते हैं। लेकिन जो अभी हाई कोर्ट जो नजूर विभाग में केस चल रहा है, न्यायालय में पेंडिंग है, गणेश सचदेवा के साथ मामला चल रहे हैं, तो जानबूझकर प्रशासन साठ गांठ कर गरीब के मकान को तोड़ा गया बिना सूचना दिए। जो इनके परिवार में लगभग 42 सदस्य हैं, आज प्रशासन गुमराहपूर्वक इसको मकान को तोड़ने का प्रयास किए, जिसके वजह से आज परिवार रोड में आ गए हैं, त्रिपाल छाकर आज उनमें निवास रद्द कर रहे हैं, खाना बनाने के लिए परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि गंभीर मामले की जाँच किया जाए, क्योंकि न्यायालय में प्रक्रिया विचाराधीन है, चल रहा है, और भविष्य में किसी प्रकार का प्रशासन ये दयाराम लहरे परिवार के साथ दोबारा न्याय अत्याचार करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी और तमाम हमारे पार्षद गण हैं, भाई लोग हैं और सतनामी समाज के भाई लोग हैं, आने वाले समय में प्रशासन के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग अभी धमतरी कलेक्टर को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि धमतरी कलेक्टर न मीडिया वालों से मुलाकात कर रहे हैं, न जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, न ही फोन लगाने पर बात उठा रहे हैं। तो इसको धमतरी में रहना है तो ढंग से काम करें, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधे कलेक्टर और ट्रांसफर करा के चले जाए, नहीं तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं धमतरी कलेक्टर हटाओ अभियान चलाएंगे। जबकि हमने बकायदा नियमता पर्ची दिए थे, दो मिनट मिलने के लिए क्या है, कलेक्टर से मिलने के लिए 100-100 आदमी इंतजार कर रहे हैं, जन समस्या लेके आ रहे हैं, लेकिन अपना रवैया रवैया रहेगा तो धमतरी में रहना है कलेक्टर महोदय जी को, तो जनप्रतिनिधि आम लोगों की समस्या सुनना पड़ेगा, नहीं तो अपना बेरिया बूस्तर उठा ट्रांसफर करा कर धमतरी से निकल जाए। हम लोग कलेक्टर की अनुपस्थिति में डिप्टी कलेक्टर उमा राज को हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम किए। मकान है, मेरे वहाँ दुकान चलाता था, वहीं पर मैं शादी से देखा हूँ, उनका ही मकान है। और गणेश का कानून वही है, किसी का जमीन हड़पना और किसी का तंग करना गरीबों को। आज से 20 साल पहले मेरे से केस आ रहा है, ऐसी दुकान में मेरा दुकान था, उसको हड़प रहा था, उसके बाद तंग करता था मेरे पास। 4 साल केस लड़ा हूँ उसके साथ, और मैं कैसी था मेरे पास 4 साल में जीत के निकला हूँ। अभी क्या मांग लेके आए थे उनका मांग
करने का, मैं उनको बचपना भी जानता हूँ, उनको बचपना जानता हूँ, उनके निवास है वहीं पर, मेरे हसन मैडम दुकान का था, बचपन से देखा वहीं का मकान, उनके आपने मैं किराए में लिया था। क्या समस्या लेके आए? हमारे घर को तोड़ फोड़ कर इधर उधर सड़क में भटका रहे हैं। मामला कब तक चला था? तोड़ने के लिए सूचना दिए नहीं, क्या हाथ लगा? सूचना नहीं दिया गया है, तोड़ने से पहले अचानक से आए और हम लोगों को गाड़ी में उठा उठा कर चार पाँच लेडीज पुलिस पकड़ पकड़ कर डग्गा में डाला गया और डाल के उधर वहाँ उतरी ले गए और उसी से केरे का इधर उधर घुमाते रहे। और सामान आप लोगों का? सामान हमारा इधर उधर अस्त व्यस्त है, हमारा हम खाना बना रहे हैं, कई सामान टूट गया है, खाना बनाने का हम तक हमारे पास जगह नहीं है, हम लोग वही बाहर में बना रहे हैं। दयाराम लहरे, मैं अमापारा धमदई महान घाटीदार बाग के रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप के समय से, मेरे दादा परदादा के समय से वहाँ घर बना हुआ है 1937 से, उसी घर में मैं आज तक निवास कर रहा हूँ। मेरे बाबू का परिवार पूरा रहता है, करीब 45 आदमी के हम लोग फैमिली है, पूरा परिवार है। आज हमारा जो दिन छाँव बनाए थे, हमारे घर जो बनाए थे उसको बिना कोई सूचना देकर इस केस का सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, लंबित है, चालू है, ना कोई फैसला हुआ है, ना कोई ऐसी कुछ नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई नोटिस दिए, अचानक सवेरे आकर के हमारे घर को तोड़ने लगे। हम लोग उनके विरोध किए, मत तोड़ो, हमारे भी बात सुनो, हमारा एक भी बात कोई अफसर नहीं सुना। वहाँ जितने भी गए थे SDO तहसीलदार वगैरह जो भी गए थे, हम मैं उन पर गवाह होने की वजह से मैं नाम नहीं जान सकता, लेकिन वहाँ पर इस तरीका से हमारे जबरदस्ती हुआ गया। पुलिस प्रशासन बहुत थे, 55-60 आदमी थे, लेडीज और जेंट्स पुलिस करके हमको पकड़ के डरगे में डाल दिए और शहर में घुमाते रहे। उधरी से वापस कुकरेल ले गए, हमारे जितने विरोध करने के बाद भी कुकरेल ले जा करके रहे, दिन भर वहाँ हमको बिठा कर रखा, हमारे बाल बच्चे सहित तेरे गांव में, अब तेरे गांव में भी दिन भर बिठा करके हमारे को रखा, वहीं हमारे को हमारे बाल बच्चा सहित, तो फिर 6-7 बजे लाके हमारे को घर में छोड़े। अभी क्या चाह रहे हो, कहाँ हो, ज्ञापन दे का है? हम भी विज्ञापन देने के लिए कलेक्टर आए हैं, कलेक्टर महोदय हमारे कोई बात नहीं सुना और वहाँ अनुपस्थित हो गए, घर में ऑफिस में नहीं है, तो हम देने आए, हमारे न्याय होना चाहिए हमारे साथ, हम न्याय मांगने हम कलेक्टर में आए। परिवार में कितने लोग? परिवार है 40-45 आदमी है हम परिवार में। अभी कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे साहब, हमारे घर द्वार तोड़ती है, त्रिपाल की छह बना है वहीं, जो टूटा हुआ जगह में, और वहीं खाना बना रहे, वहीं सो रहे हैं सब, कहाँ जाएंगे?